गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा ब्लॉग। आज हम बना रहे हैं कानपुर की फेमस चाट धनिया चाट। चलिए दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। आइए आलू को बॉईल कर लेते हैं। मैंने रख दिया है आलू बॉईल होने के लिए। धनिया का चटनी रेडी करेंगे। इसके लिए चाहिए हरा धनिया, हरा मिर्ची। चलिए इसे काट लिया है, देखिए चलो पीसते हैं। यह हरा धनिया और हरा मिर्ची, चलिए इसे पीसते हैं मिक्सी में। मिक्सी में रख दिया है हरा धनिया, हरा मिर्ची। इसमें नमक डाल देते हैं थोड़ा सा, स्वाद अनुसार नमक खिलाते हैं इसे। हमारा धनिया का चटनी रेडी है, बॉयल हो चुका है, चटनी रेडी हो चुकी है हरा धनिया का। चलिए और प्रोसेस दिखाते हैं। बॉयल हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं कुकर से। आलू बॉयल हो चुका है, इसे छील लेते हैं, छील के कट कर लेंगे। आलू को छील लिया है, अब इसे हम कट कर लेते हैं। आलू को कट कर लिया है, देखिए अभी गर्म है आलू, एकदम भाप निकल रहा है। आलू को ऐसे कट करना है, देखिए इस तरह कट करेंगे तो अच्छा से बनेगा। आलू रेडी हो चुका है, अब इसमें हमने जो चटनी पीसा था धनिया का उसको डाल देते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए मिक्स करके तब दिखाते हैं। गाइस अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही टेस्टी। देखिए गाइस ये बन के रेडी हो चुका है हमारा कानपुरी चाट धनिया वाला। देखिए गाइस बन चुका है हमारा फेमस चाट। कैसा लगा आपको रेसिपी कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ बनाकर ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही आसानी से बनता है, एकदम सात्विक भी है, आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। आकर ट्राई कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।